तो बच्चों, नाउ द सेकंड इक्वेशन, राइट? हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्लोप पॉइंट इक्वेशन. तो बच्चों, स्लोप पॉइंट इक्वेशन वी नो वेरी वेल कि स्लोप पॉइंट इक्वेशन क्या होता है. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन. ओके, देन आफ्टर सेकंड लाइन इक्वेशन. भाई सेकंड लाइन इक्वेशन क्या है? सही है, बहुत कॉमन है. वैसे तो बहुत कॉमन है बच्चों. वेयर लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. वेयर लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, राइट? सपोज वी हैव ए एक्स वन वाई वन. सपोज ए एक्स वन वाई वन, हेलो है, ओके. एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है भाई? एंड बी एक्स टू वाई टू. ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू. Where line passing through from two distinct points? Where last line passing through from two distinct points? Then the equation of the line is. Then the equation of the line is. कौन सा आएगा, याद है बच्चों? Simple. X minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1. Hello. It is the equation when line passing through from two distinct point. Two distinct point. Which distinct point? Ax1, y1 and bx2, y2. It is the one equation. दूसरा equation भी है जो कि हम पढ़े नहीं है, पर आप लोग physics से पढ़े होंगे भाई. आप लोग physics से पढ़े होंगे. Determinant वाला topic. Determinant, right? Actually 12th का topic है ये. Determinant. X, Y, 1, X, 1, Y, 1, 1 and X, 2, Y, 2, 1 equal to 0, right? बेटा ये भी जो equation है ना, वो line का equation है, समझना, right? When line passing through from two distinct point, तो आप इसका भी use कर सकते हो, इसका भी use कर सकते हो, right? Basically हम 11th में है, तो इसका use cost कम करते हैं, but इसका use ज्यादा करते हैं, okay? So it is the important. अब आप मुझे बताओ, ये चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टेट लाइंस. अब स्टेट लाइंस भी पढ़ रहे हैं, तो स्टेट लाइंस में लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? हेलो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होना चाहिए? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन आपके माइंड में होना चाहिए बेटा. स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन जो होता है ना, इट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इट्स अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है, राइट? इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन वेयर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल जीरो लिखना जरूरी है. इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. बेटा अब इसका यूज करके हम कुछ लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं. ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ओके. बेटा ये जो लाइन है उसका पैरेलल लाइन मुझे फाइंड करना है. पैरेलल लाइन ये समझो, कोई भी आपका लाइन है, कोई भी लाइन है, और दिस लाइंस पैरेलल लाइंस इक्वेशन मुझे फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? एनी लाइंस पैरेलल लाइंस इक्वेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो माइंड में क्लियर कर लो. एनी लाइंस पैरेलल लाइंस ऑलवेज ऑलवेज डिफर विथ कॉन्स्टेंट टर्म. ऑलवेज डिफर विथ कॉन्स्टेंट टर्म. बेटा किसी भी लाइन की पैरेलल लाइन अगर आपको फाइंड करनी है ना, तो सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म ही अलग होने वाला है. हेलो, राइट? बाकी के जो कॉफिशियंट है एक्स एंड वाई के, वो सेम रहेंगे, समझो. तो ये लाइन है, उसका पैरेलल लाइन में जो फाइंड करना है, पैरेलल लाइन, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, राइट? वेर के इज नॉट इक्वल टू सी. ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, राइट? इट्स पैरेलल लाइन्स इक्वेशन टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. बच्चे समझ में आ रहा है? ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. और सेकंड थिंग आप ऑब्जर्व करो बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था
कि भाई लाइन जो होती है लाइन उसका स्लोप क्या होता है। देखो नो बच्चा, वो तो सही है, वो सही है, बट लाइन का यूज करके अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, लाइन का यूज करके अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? नो फिर भी गलत है, कोई बात नहीं। एम इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, एम इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, राइट बेटा। ये जो इक्वेशन है ना वो लाइन का इक्वेशन है, और लाइन का यूज करके अगर हमें स्लोप फाइंड करना है लाइन का यूज करके, तो मुझे इसका यूज करना पड़ेगा एम इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, राइट। ओके पहले एक बार पढ़ाया था बट वो फास्ट चला दिया था तो थोड़ा आउट ऑफ साइट हो गया होगा। सो एम इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी है। अब देखो ये दो लाइन पैरेलल है, उसकी प्रूफ क्या? इसकी प्रूफ तो सिंपल, इसका स्लोप क्या होने वाला है? माइनस ए अपॉन बी। इसका स्लोप भी क्या होने वाला है? माइनस ए अपॉन बी। दोनों के स्लोप क्या है? सेम सेम है, दैट मींस इज पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा है? यस और नो? सो इट इज द पैरेलल लाइन, राइट। नाउ आई वॉन्ट परपेंडिकुलर लाइन, हेलो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ दिस लाइन, मुझे एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है भाई। यस तो अब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट, उसको परपेंडिकुलर लाइन मुझे फाइंड करनी है। क्या बने परपेंडिकुलर? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। क्या करना है? चेंज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, चेंज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट चेंज कर लो, एंड जो साइन है ना वो बीच में जो साइन होता है ना वो उसको चेंज कर दो। यस बीच में बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट ले लिया आपने? ले लिया, ओके। देन आफ्टर उसके जो साइन है ना उसको हम चेंज कर लेते हैं। सो सिंपल देखो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो है। चलो तो पहले ए ए एक्स, तो ए बी एक्स लिख दिया और ए वाई लिख दिया, पार्टनर चेंज हो गए, इसके पार्टनर चेंज हो गए, ओके। अब प्लस है तो माइनस, एंड प्लस के इक्वल टू जीरो, इट्स ऑल्सो द इक्वेशन लाइन बट परपेंडिकुलर, बट परपेंडिकुलर भाई। लाइन तो हम फाइंड करनी पड़ती है, या तो लाइन पैरेलल होती है तो परपेंडिकुलर होती है, तो राइट एंगल किसी के साथ कर्व बनाती है, तो लाइन की इक्वेशन तो है ना, है सर? ओके तो ऐसे हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये स्लोप पॉइंट इक्वेशन फाइंड कर दिया, यहाँ पे टू पॉइंट का यूज करके फाइंड कर दिया, ये लाइन का इक्वेशन है, राइट। और हमको ऐसे फाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपको पूछेगा समझो कि भाई इसकी प्रूफ दो तो क्या करोगे, आपको कोई पूछेगा कि इसकी प्रूफ दो तो क्या करोगे? अरे यार इफ टू लाइन सर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? यस मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप माइनस वन हो जाएगा। इफ टू लाइन सर परपेंडिकुलर तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा? minus. सही है, ओके yes. okay, चलो इसका स्लोप क्या है? इसका मींस इसका, चल इसका स्लोप क्या है? माइनस ए अपॉन बी, सही है। चल ये माइनस ए अपॉन बी, चल इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नहीं बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो बी अपॉन ए। चल हटा 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 तो माइनस वन आ गया। इट कैन बी प्रूव्ड यार, सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो एनी लाइन परपेंडिकुलर लाइन स्लोप, राइट, इज दिस। ओके नाउ